पढ़ाई के बाद संग्राम के बाद कुंभ में जहाँ तुम सबसे खतरनाक लड़ाई करने का शख्स आपको दिखाई देंगे। देखिए सबसे पहले शख्स मिस्टर अमित चंद, बताइए सर आज जो है आपने गेट का आपका रिजल्ट आया, बताइए आप गेट के रिजल्ट के बारे में क्या बताना चाहते हैं? सर गेट के लिए हमने मन से तैयारी नहीं की, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नहीं हो पाया, लेकिन अगली बार हम जरूर कोशिश करेंगे हो जाए हमारा। आप क्या क्यों नहीं आपने मन से पढ़ाई क्यों नहीं की, आखिर में आपने क्या किया इस टाइम जो है आप, जबकि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट माने जाते हैं, दिन रात कुत्तों की तरह किताबों के साथ ही सोते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, 1000 किताब आपके पास है जो है, सूत्रों से हमें पता चला है कि 1000 किताब आप जो अपनी लाइब्रेरी में संजो कर रखे हुए, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो बताइए आप किसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर ये श्रेय बिल्कुल मैं अपने आप को ही देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जैसे कुछ प्रवीण सिंह और गौरव पांडे, वो मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगे थे, इसलिए मुझे अंदर से फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ने लगा हूँ, इसलिए उस बीच मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, और फिर बाद में कुछ मेरे अच्छे दोस्त जैसे मौनी सोनी की संगत में आगे मैंने फिर पढ़ाई शुरू की, तो गेट में जो नंबर आया मेरा उसी में आया जो भी आया। और बताइए आप भविष्य के लिए आप अपने कुछ योजनाओं को बताइए, क्या करना चाहेंगे अभी? भविष्य में आप कुत्तों की तरह जॉब करेंगे आगे चल के, बाकी सारे मेरे दोस्त जहाँ रहेंगे हम भी वहीं पहुंचेंगे, गुजरात और फिर जॉब करेंगे। नहीं और भविष्य के बारे में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपके क्या है, आप क्या सोच के रखे हैं अपने बारे में? लॉन्ग टर्म सर हम क्या करें, कुछ एनवायरमेंट पर कुछ काम करेंगे, पॉल्यूशन हटाएंगे, ये सब करेंगे। अच्छा अच्छा, तो चलिए अब आपको ले चलते हैं दूसरे नंबर के महासंग्राम के विजेता से, मिस्टर मुनीस राजा जी ने गेट के एग्जाम में जो है कोई सफलता इनको भी नहीं मिल पाई है, सफलता हमें हाथ नहीं लगी है, सिर्फ 0.33 नंबर के वजह से जो है हमारा एग्जाम चुट गया है ऐसा कहा जाए। अब शब्दों का प्रयोग मत करें कृपया, जी लीव से भाई उसके बाद और क्या पूछना चाहेंगे और बताइए आखिर में क्यों आप क्या कर रहे थे? एक्चुअली बात ये थी कि हमने जो है ब्लड डोनेट कर दिया था उस दिन 2 पाउंड, इसके बाद से हमारी जो है शारीरिक और मानसिक स्थिति में बदलाव आने लगे थे, उसके वजह से जो हो गया था आपका, उस वजह से जो है हमें उल्टी प्रेगनेंसी जैसे होने लगा था, उस वजह से मैं कर नहीं पाया। आप बताना चाहेंगे कि किस किस शख्स को जो है आपने ये ब्लड डोनेट किया था, किस वजह से किया था? वो शख्स भाई एक नव युवक था अपने गर्लफ्रेंड के साथ एक्सीडेंट कर गया था, अब दोनों को जिंदा रखना था, अब मुझे खून मैं ही मिला खून देने वाला, अच्छा मैंने ये दे दिया ये काम। और बताइए अभी इस टाइम क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। अच्छा अच्छा, जो काला कलर का फिगर दिखाई दे रहा है इसके बारे में क्या बता रहे हैं? जो है अलोहा टेक्निक है, अलोहा प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा, तो इसमें एफिशिएंसी एफिशिएंसी की जो है कॉन्सेप्ट है, डाटा ट्रांसमिशन रेट से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें प्योर अलोहा में जो है थोड़ा एफिशिएंसी कम होती है, डाटा ट्रांसमिशन रेट कम होता है, स्लॉटेड में एफिशिएंसी इसके दोगुना होती है, डाटा इसका मतलब डाटा ट्रांसमिशन भी तेज होगा, यही सब चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और क्या पूछना चाहेंगे मेरे? और बचपन से ही पता चला है कि आप बहुत ही जो है उच्च विचार के आदमी है, बहुत कुछ सोच कर रखते हैं, दिमाग आपका बहुत तेज है, तो आप बताइए बचपन से लेके आज तक, लेकिन अभी आपने कुछ भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फिर भी आप खुद को बहुत ही जीनियस और ऐसा कुछ समझते हैं, तो ये आपके ऊपर आरोप लगा है कि आप अपने आप को बहुत बढ़िया समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं और अपनी जिंदगी में कुछ ना कर पाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने भविष्य में कुछ करें, बताइए इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे इतने बढ़िया हैं जिन्होंने मुझे बताया कि मैं वाकई में बहुत अच्छा हूँ, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ अगर आप चाहें तो, जरूर जैसे अमित चंद हो गए, ब्रजेश तिवारी, शशि त्रिपाठी, इसमदार अहमद, परवीन पैना, गौरव आजमगढ़, ये सारे लोग हैं जिन्होंने हमें काफी वो उन्नति पे पहुंचाने की कोशिश की है, खुद भूखे सो के भी मुझे किताब खरीदने के लिए पैसा दिया है, यही लोग हैं जिन्होंने हमारी इतनी पढ़ाई की भूख को मिटाया है, हजारों हजारों किताब ला के दे दी है मुझे, पढ़ते रहो तुम दिन रात पढ़ते रहो, मेरे हाथ फूटे अकाउंट तक ये लोग संभालते हैं। और ये बताइए कि अभी जो ये कुछ दिनों के पहले कॉलेज में एक रोबोटिक्स का बहुत ही बड़ा भयानक सा एक जो है जो प्रोग्राम हुआ था, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, उसके ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका ऑर्गेनाइजर ही बहुत अच्छा लड़का था, बहुत दिमागी लड़का था। वो है एक्चुअली हमारे बगल में, जो बगल पार्टिसिपेंट बेकार थे, फट्टू थे, उन्हें कुछ आता ही नहीं था, तो यही सब है, सारी चीजें चल रही है बस ऐसे ही और कुछ। चलिए ठीक है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आइए हम आपको मिलाना चाहते हैं रोबोटिक्स के महाज्ञाता मिस्टर अंकुश श्रीवास्तव से। आइए बताइए सर, आपने रोबोटिक्स का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित करवाया था यहाँ पे कॉलेज में, तो आप बताइए सर उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? काफी अच्छा लगा।
कुछ देर बाद रोबोटिक्स का एक बनाया था, जैसे कि ये ट्रैक देख सकते हैं आप। हाँ सर, जरा इसका फोटो लीजिए आप इसको। एक ट्रैक ये था और ये कुछ ऑब्स्टिकल यहाँ पे बनाए गए थे। तो सर आपने क्या मतलब कैसे आपके दिमाग में आया इतना खतरनाक और बहुत ही पेचीदा टाइप का जो आपने ये कॉम्प्लेक्स वो बनाया था? पिछले तीन सालों से ये पुराना ही बस रोबोट को उठा के बस दौड़ा देते थे और दोनों के बीच में लड़ाई बस करवा देते थे। अच्छा, तो मैंने सर कुछ नया सोचा कि मैं कुछ नया करके जाऊँ यहाँ पर और एक नई शुरुआत हो यहाँ पे रोबोटिक्स की। और आपके बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही आप रोबोट के बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं, बचपन में ही रोबोट के साथ खेलते थे आप, तो बताइए क्या ये बात सच है और आप रोबोट से कितना इतना प्यार क्यों करते हैं आप रोबोट से? मैं जब पैदा हुआ था तभी से मैं रोबोट में बैठ के काम जो भी काम करता था वहीं पे करता था। और कहा जाता है कि ये जो है आपका खानदानी वो है कि जो रोबोट का आविष्कार किया गया था आपके ही खानदान के किसी एक विख्यात साइंटिस्ट ने किया था। हाँ, तो आप क्या ये बात सच है सर? हाँ सच है, 1986 में जब मेरे पैदा होने से एक साल पहले बस रोबोट का वही आविष्कार हुआ था और उसी का यूज मैंने अपने पैदा होने के बाद उसी का यूज करना शुरू किया। चलिए ठीक है, आपने बहुत ही उन्नति किया है इसके रोबोट के मामले में और मैं चाहता हूँ कि आप जो है भविष्य में भी बहुत ही बड़े बड़े रोबोट बनाएं और चाहता हूँ कि बना के हम लोग को भी दें जिससे हम लोग उसे यूटिलाइज कर सकें गार्ड धोने और बहुत। धन्यवाद सर, चला जाए।